हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ये कंटिन्यूएशन पार्ट है और अब पार्ट टू शुरू हो चुका है अभी। और मैंने अभी आपको दिखाया जो सामने बस जा रही है मेरे, वो बस में बच्चे लेफ्ट साइड से लटकते हुए जा रहे हैं। दो तीन दिन पहले ना मैं एक वीडियो देखा था, तमिलनाडु का वीडियो था शायद, इतने सारे बच्चे उसमें बैठे हुए हैं और बाहर की तरफ बहुत सारे बच्चे लटके हुए हैं। बस ऐसा टिल्ट हो गई है थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ, अगर थोड़ा और बच्चे ऐसा लेफ्ट हो जाएंगे ना तो गिर सकती है बस। हमारे गांव साइड ही जा रही है बस, ऐसे वो बस हमारे गांव साइड ही जा रही है। और एक और बात ना, कल क्या हुआ है, ये जो मैं मोबाइल को माउंट करता हूँ ना, जहाँ पे मैं मोबाइल लगाता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, कल वो वाला जो पार्ट है वो टूट गया, टूट कर गिर गया फार्म पर। अच्छा हुआ कि मैं बाइक नहीं चला रहा था, मतलब बाइक चलाते हुए अगर टूट के गिर जाता तो मोबाइल को नुकसान हो जाता। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पार्ट टूटा है वो। वैसे मैं अच्छे से जॉइंट कर दिया, वो टूटा नहीं है, वो सिर्फ उसका जो स्क्रू होता है ना वो थोड़ा ढीला हो गया था, इस वजह से वो निकल के नीचे गिर गया। फिर मैं उसको थोड़ा टाइट कर दिया, अभी अच्छे से फिट हो चुका है वापस। ये पूरा रास्ता ऐसे ही है, सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है। अगर सामने से कोई गाड़ी आए, बस हो गई या फिर कार अगर जाए आए, तो ऐसा नीचे की तरफ उतर जाना है। अभी अभी वहाँ पे उतरे हैं, ऐसा गाड़ी शुरू हुई है यहाँ पे। तो कितने सारे बच्चे उतरे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा खाली हुई है बस। तो बारिश फिर से शुरू हुई है, ड्रिजल होना फिर से शुरू हो चुका है। तो मैं मोबाइल को रख देता हूँ अंदर, क्योंकि बहुत देर से मोबाइल भीग रहा है मेरा। मोबाइल को रख देते हैं अंदर और पहुँचते हैं सीधा घर पे। सिर्फ 15 किलोमीटर का रास्ता बचा है, 15 से 20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा घर। तो अभी ना हम यहाँ से एक और शॉर्टकट का रास्ता लेते हैं। ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता शॉर्टकट रास्ता है, ऐसा जा करके हमें राइट आना है, तो उससे बेहतर है हम ये रास्ते से चले जाते हैं। ये पूरा ऐसा मिट्टी वाला ही रास्ता है, कोई नहीं, मिट्टी के रास्ते में मेरी गाड़ी मस्त जाती है। और देखो मेरे राइट साइड इतना बड़ा पहाड़ है, पहाड़ को दिखाते दिखाते मैं लेफ्ट पे जा रहा था। ऐसा हो जाता है कभी कभी। वैसे जब यहाँ ज़्यादा बारिश होना तो ये रास्ते से बिल्कुल नहीं जा सकते, पूरा पानी रहता है ये रास्ते में। और हमारे बाजू से एक नदी बह रही है, पानी बिना पानी के नदी बह रही है। ये ना वही पहाड़ है, वो पहाड़ के पीछे से हम जाते हैं गांव के लिए। जिस रास्ते से मैं जाता आता हूँ ना हर बार, वो रास्ता है वो। अभी ये मैं इस तरफ से आ रहा हूँ, पहाड़ के पीछे की तरफ से, और अभी शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ। ये लगभग 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता है पूरा शॉर्टकट। ये आ गया है रास्ता रोड वाला, लेकिन हम ये रास्ते से नहीं जाएंगे, और यहाँ से भी शॉर्टकट के रास्ते से निकल जाएंगे। अगर वो रास्ते से अगर जाएंगे ना हम, ऐसा आके वहीं पर मिलेंगे। तो इसी रास्ते से चले जाते हैं, थोड़ा और मिट्टी वाला रास्ता है वैसे भी। हाय, ख़त्म हो चुका है मिट्टी वाला रास्ता, 2 किलोमीटर का रास्ता है ये। अभी यहाँ से पूरा अच्छा रास्ता रहने वाला है। वैसे पूरा अच्छे रास्ते से मैं आ सकता था, लेकिन शॉर्टकट के रास्ते से मुझे जाना था, तो इसीलिए मैं मेरी मिट्टी का रास्ता पकड़ के आ। खैर, अभी पहुँचते हैं घर पे। अभी पहुँचा हूँ मैं यहाँ घर पे, और अब्बा अभी तक यहीं बैठे हुए थे, अब भी बाहर गए हैं। और अभी जाते हैं मेरे दोस्त के शॉप के पास, वहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, चाय वाय पीते हैं, फिर निकल जाते हैं गांव के लिए। तो ये आ चुकी है चाय हमारे सामने, चाय पीते हैं, थोड़ी देर गपशप मारते हैं, फिर निकलते हैं। शाम के बज चुके हैं 7 और मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ चाय पीकर। अभी आया हूँ मेरे दोस्त के शॉप के पास से, और देखो अभी करंट चले गया है यहाँ पे। तो पैकअप करते हैं, हेलमेट डालते हैं और निकलते हैं गांव से दूसरी गांव की तरफ। गांव में जा चुकी है इलेक्ट्रिसिटी, और अभी अभी जस्ट आई है।
जा चुकी थी, 5 मिनट चले गई थी इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी मैं निकला हूँ गांव के लिए। तो आज हम ले रहे हैं दूसरा रास्ता। तो आज का दिन पूरा दूसरे दूसरे रास्ते से ही जाने में निकला है। ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है। तो अभी जिस रास्ते से जा रहा हूँ ना, ये नया रास्ता लिया मैं आज। तो हर दिन वो साइड से जाता था मैं पहाड़ के, आज इस तरफ से जा रहा हूँ। ये थोड़ा और डेंजरस रास्ता है, और ऊपर से मैं रात में निकला हूँ, बारिश भी हो रही है। गाड़ी निकालता हूँ ना तो बारिश शुरू हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा। जब से 3 घंटे से मैं गाँव में बैठा हुआ था, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। अभी गाड़ी उठाया मैं, देखो शुरू हो चुकी है और सामने हो रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे बारिश। वैसे थोड़ा लेट हो गया निकलने में, मैं सोचा था 6 बजे निकलने का, लेकिन बातों बातों में बहुत टाइम निकल गया है। और अभी देखो 7:05 हो रहा है टाइम। तो उसके शॉप में बैठा था, और फिर हमारे चाचा के शॉप में भी बैठा था, बातें बातें करके। और अभी निकला हूँ, लगभग आधा घंटा लग जाएगा मुझे पहुँचने में। और कल वापस आना है गाँव को आना है कल वापस सुबह में। पता नहीं भैया नज़र आई आपको? पता नहीं, नज़र आई नहीं आई। जाकर मैं घर पे देखता हूँ। वैसे वापस चिड़िया सामने आ रही थी अंधेरे में, ये रोड पे चिड़िया ऐसे सामने आ रहे हैं लाइट की वजह से। अभी रास्ते में और आएंगे शायद, पता नहीं। लेकिन आपने देख लिया ना लाइव, आई होप कैमरे में कैप्चर हुआ है। तो इस वीडियो को ना घर पे जाके ही एंड करते हैं, क्योंकि अभी रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है नहीं, और ऐसे ही पूरा सिंगल रास्ता रहेगा और अंधेरा रहेगा पूरा आसपास में। और बारिश भी हो रही है, ड्रिजल हो रहा है। तो जल्दी मैं गाड़ी को भगाता हूँ और पहुँच जाता हूँ घर पे। इतना सुनसान है ना ये रास्ता पूरा, देखो अंधेरा छाया हुआ है और कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ मेरी गाड़ी चल रही है यहाँ पे, और सिर्फ मेरी गाड़ी चल रही है। आमने सामने कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, और एकदम घना जंगल है यार जिस जगह पे मैं हूँ। कितना अंधेरा है देखो, माशाल्लाह। बहुत सालों के बाद मैं देखा हूँ इतने सारे गाय एक साथ। देखो कितने सारे गाय हैं यहाँ पर। वापस घर पे जा रहे हैं ये सब, माशाल्लाह। कुछ ना करें तो बेहतर है, इनके सींग बहुत ख़तरनाक हैं। इतने सारे हैं देखो, माशाल्लाह। पहली बार मैं देख रहा हूँ, मालूम है बहुत सालों के बाद इतने सारे एक साथ जाते हुए। बकरियाँ देखे हैं, बकरे देखे हैं बहुत सारे, लेकिन गायें पहली बार देखा हूँ। मतलब इतने सालों में मैं पहली बार देख रहा हूँ। और हमारे गांव साइड में ना भैंस हैं, जो काली वाली भैंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा जाते थे, बहुत ज़्यादा तादाद में, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा है। और ये बहुत सालों के बाद मैं सच में देखा हूँ ऐसा, गायों और बैलों को चराते हुए लेके जा रहा है वो चर कर। वैसे अभी घर जा रहे हैं वो चर करके, घर हम भी चलते हैं घर। ये जो 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता है ना, ये रास्ते में मुझे सिर्फ 3 से 4 गाड़ियाँ नज़र आई हैं, उसमें से एक ऑटो नज़र आई है और 3 बाइक नज़र आई है। और जो 10 से 15 किलोमीटर का ये जो रास्ता था सिंगल वे, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ से टू वे लाइन शुरू होती है। और थोड़ा मैं भगाते हुए निकल गया ये रास्ते में, क्योंकि स्लो चलाना थोड़ा रिस्क है। अब कहाँ से क्या कुछ आ जाए बोल नहीं सकते, और यहाँ से शुरू हो जाता है टू वे। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, पहुँचे तक यहाँ पे 7 बज जाएंगे। वैसे 7:30 बज गए पहुँचे तक। गांव से थोड़ा मैं लेट निकला और अभी पहुँचा हूँ। चाय पी करके बैठा हूँ और हल्की सी बारिश हो रही है। बारिश मेरे व्लॉग में खाली बारिश ही चल रहा है। तो हो रही है तो बता रहा हूँ। खाना खा लिया है, पेड़ भर गए, अभी ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं। थोड़ी देर यहाँ पर वॉक करते हैं, क्योंकि फुल हो गया है, पता ही नहीं चला कब फुल हुआ है। अच्छा खासा खा लिया मैंने, अभी थोड़ी देर वॉकिंग करते हैं। और देखो अभी टाइम हो रहा है 10:30,
रात हो चुकी है और आज का जो व्लॉग है ना, मैं दो पार्ट में उसको डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि लंबा हो चुका है वीडियो, 26 to 27 मिनट्स का वीडियो पहुँच गया था, इसलिए मैं सोचा बेहतर होगा कि दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूँगा, फिर अपलोड करते हैं दो पार्ट्स को, एक 10 बजे और एक 3 बजे, तो थोड़ा गैप छोड़ के आएगा मेरा व्लॉग 3 बजे भी इंशाल्लाह। और मैं गया था गाँव, फार्म पर नहीं गया क्योंकि वक्त पूरा मेरा निकल गया गाँव में, 2 से 3 घंटे बिताने के बाद फिर मैं आ गया घर पर, और घर पे कुछ खास हुआ नहीं, वैसे ही टाइम निकल गया, अभी अभी डिनर करके ऊपर चढ़ा हूँ, और कल सुबह सुबह 9-10 बजे के करीब उठ करके वापस गांव जाना है क्योंकि थोड़ा सा काम है गांव में, और फिर यही है, आज थोड़ा जल्दी सो जाते हैं क्योंकि सुबह उठना है, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगर ये वाला व्लॉग, ये वाला वीडियो, दो वीडियो मैंने आज अपलोड किए हैं, अगर दोनों वीडियो आपको पसंद आए हों तो दोनों वीडियो को जाके लाइक करें, और ये वीडियो को लाइक करें, हवा बहुत प्यारी चल रही है, थोड़ी देर वॉकिंग करते हैं, और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको कल एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।